हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हरे कृष्णा, योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक खास आंसर को लेके, रिप्लाई को लेके हाजिर हुई हूँ। कई लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मुद्रा के विषय में बहुत कंफ्यूजन्स हैं उन्हें। कई लोग पूछते हैं, वीडियो पूरा सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, पूछ लेते हैं। 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं क्या मैम? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। आप मुद्रास के वीडियोस में जाइए, जो मुद्रा आप देखते हैं उसमें मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है। जनरली हर मुद्रा 45 मिनट्स करनी चाहिए, लेकिन 45 मिनट्स यानी 45 मिनट आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो आप 15 15 15 ऐसे 3 राउंड में भी आप कर सकते हैं पूरे 24 घंटों के अंदर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मुद्रा को पीरियड्स के दरमियान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स के बारे में भी सवाल आया है कि एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स पीरियड्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीरियड्स में एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स कुछ करनी चाहिए होती है और कुछ नहीं करते हैं। तो जब तक आपको ये प्रॉपर नॉलेज नहीं हो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तब तक आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन आया है कि पीरियड्स में कौन सी योग करनी चाहिए। योग का पूरा कंबाइन पैकेज क्या होता है? योग मींस प्राणायाम, आसन्स और मेडिटेशन, यह मिला के योग का कैप्सूल तैयार होता है। आप पीरियड्स के अंदर, जब आपको पीरियड्स स्टार्ट हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तब आप हल्का फुल्का व्यायाम यानी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। प्राणायाम सारे कर सकते हैं एक्सेप्ट कपालभाति और बंद लगाने। बंद आपको नहीं लगाना है, किसी भी सूरत में आपको बंद नहीं लगाना है। और आसन, जिन आसनों में आपके पेट के ऊपर जोर आता है, पेट में खिंचाव महसूस करते हैं, उन आसनों को आप ना करें। तो यह थी कुछ जानकारियां जो आपने मेरे से पूछी थी। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रेम से रहें।